हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। वाडसाई का कुक हाउसकीपिंग के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसमें एज लिमिट 18 से 25, एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए, होना चाहिए 5 साल एसटीएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई विकलांग कैटेगरी से है तो उसके 10 साल का छोटा एज में उसके लिए PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वार्ड साइका के लिए 10th पास होना चाहिए, 10वीं क्लास पास, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल और नर्सिंग से रिलेटेड। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर या हैवी मोटर व्हीकल का। कुक पोस्ट के लिए 10th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक से रिलेटेड ट्रेड में। हाउसकीपिंग के लिए 10th पास होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए बात के हिसाब से 30 दिन के अंदर होना चाहिए, जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार में समाचार में दिया हुआ है। और जो फॉर्म फिल करने के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो पोस्ट डालना है। जैसे कुक के लिए कुक करने हैं तो वो कुक डालना है, किस यूनिट पे, कहाँ पे, कौन सी यूनिट के लिए। जैसे चेन्नई के लिए कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलोर के लिए कर रहे हैं तो बेंगलोर फिल करना है। और ये जिस भी पोस्ट के लिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर कुक तो कुक के लिए डालना है। यहाँ पे आपके फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो सर्टिफिकेट में है, या डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, भाई आप कितने दिन के हो गए, कितने साल के, कितने महीने के हो गए। उसके लिए आपको डेट कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है और सेल्फ असिस्टेड करना है, यहाँ से ऐसे साइन सिग्नेचर करना, असिस्टेड करना है, और अपना जो भी एड्रेस है यहाँ पे, एड्रेस, हाउस नंबर या विलेज वगैरह, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड जो भी आपका, और कॉरस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो सेम डाल दें, सेम एड्रेस यहाँ पे चेंज है तो जो भी आपका वो डाल दें। अपनी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पे फिल कर दें, और आप एसटीएससी ओबीसी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट अटैच ज़रूर कर दें, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे लिख देंगे। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, जो भी, वो सेल्फ असिस्टेड होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। आप एक्सपीरियंस लेटर लिखना है, आपके पास कितने साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर है तो यस या नो में लिखना है। और आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और आप टेक्निकल के लिए भर रहे हैं तो टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। डोमेशियल है तो डोमेशियल, डोमेशियल लगाना है यहाँ पे, डोमेशियल यस करना है, यस या नो में। और सेल्फ असिस्टेड करना है डोमेशियल को। आपने सूचना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर या कहाँ से, जहाँ से मिली है, तो उसका यहाँ पे यस या नो करना है आपको। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है आपका, जो भी सिग्नेचर, इसको यहाँ, इसको खाला खाली छोड़ दें, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ऑफिशियल यूज के लिए है सिर्फ। यहाँ पे अपना एक फ़ोटो पेस्ट कर दें, सेल्फ असिस्टेड कर दें, यहाँ पे अपन जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट नाम, फादर नेम, और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दें, बाकी ये सारा खाली छोड़ दें, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें आपको। और जो भी इसके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं, अटैच करके लिफाफे में पैक करके उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, कैटेगरी लिखना है, यहाँ लिखना है, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख देना है, इसमें अपनी पोस्ट और कैटेगरी लिख देनी है। और इसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हेल्प असिस्टेंट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं जो भी है, और एक एनवलप रखना है, उसमें 10 रुपये का स्टाम्प लगाना है, और अपना सेल्फ एड्रेस लिखना है उसके ऊपर और अंदर रख देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही मोर डिटेल्स के लिए।